Hello, good evening. My name is Shreshta Srivastava and I'm going to be your English educator at Just 9th and 10th, a channel of Unacademy. And this channel is going to be a one-stop solution to all your problems and queries related to class 9th as well as class 10th. मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक बात बताई थी दैट दिस पर्टिकुलर चैनल हैज अ यूनिक थीम ऑफ लर्निंग विद इवैल्यूएशन. तो यहाँ पे लर्निंग तो होगी, डिटेल लर्निंग होगी, प्रॉपर लर्निंग होगी, वन टू वन लाइव सेशंस भी होंगे, इंटरेक्शंस भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ डेली बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन भी होगा. तो जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, आई एम ऑल्सो गोइंग टू इवैल्यूएट यू वाया क्विज. एक छोटा सा क्विज होगा, इंटरैक्टिव सा क्विज होगा, सिंपल सा क्विज होगा. जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके आपको रिस्पॉन्सेज देने, आंसर देने होंगे, ताकि मैं ये जज कर पाऊँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्लास. याद है हमने पिछली क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, अ लेटर टू गॉड बाय द ऑथर जी एल फ्विंटस. आज उसी क्लास को हम कंक्लूड करेंगे, इस चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे विद आवर सेकंड लेक्चर. बट बिफोर आई गो इनटू द डिटेल डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर जो हमने लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था, लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. जान तो लो कि तुम इसे पढ़ने वाले हो. माई नेम इज श्रेष्ठा श्रीवास्तवा. आई हैव डन माई मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. For more than 7 years, past 7 years, I have been working as the teacher of English subject. And in this duration, I have mentored, I have tutored, I have guided more than 5,000 students from class 9 to class 12 of CBSC board. And I'm very happy to be on this platform of Just 9th and 10th. Come and join me on this particular platform, ताकि हम learning कर सके, अपनी knowledge को share कर सके और बहुत सारी दूसरी चीजों के बारे में भी discussion कर सके. Regarding your type of questions, all your queries related to your subjects, different subjects. ऑफ 9th as well as class 10. लेकिन आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. पहला काम आपको सिंपल सा ये करना है दैट यू हैव टू डाउनलोड दी टेलीग्राम ऐप. आपको अपने फोन्स में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर एक चैनल रहेगा, उसको आपको ज्वाइन करना है, दैट इज जस्ट 9th and 10th. इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और इससे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, उसे डिस्कशंस कर सकते हैं, उसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, मुझसे ही नहीं, इनफैक्ट जितने भी टीचर्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं, हम सबसे आप वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं. और जो भी कंटेंट टीचर्स शेयर करते हैं, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, लिंक्स, फाइल्स, जो भी टॉपिक्स रिलेटेड कंटेंट टीचर्स शेयर करते हैं, उसका भी बेनिफिट आप अवेल कर सकते हो, आप उठा सकते हो. तो प्लीज़ 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 पहले तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो और साथ के साथ हाथ तो हाथ आपको क्या करना है, एन अकेडमी का लर्निंग ऐप भी डाउनलोड करना है. Because through this particular learning app, you can attach yourself with the top educators from all over the country. Hum sab yahan pe aaye hain to guide you, to help you. And you have, of course, you have to subscribe for this particular channel, Just 9th and 10th, so subscribe karna hi karna hai. In this particular app, mein kya karna padega? Learning app, jo Unacademy ki learning app, usko download karke, mera naam hai Shreshtha Srivastava, mujhe follow karo, aur saath mein ek Unacademy ka subscription aap lijiye. इस सब्सक्रिप्शन से बेनिफिट ये है कि जितना भी कंटेंट है रिलेटेड टू योर रिस्पेक्टिव क्लासेस, आप उसको अवेल कर पाओगे, उसको पढ़ पाओगे. लाइव सेशंस होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, लाइव डाउट सेशंस होंगे, आपका वन टू वन सेशंस होगा टीचर के साथ. लेकिन ये सिर्फ 9th क्लास के लिए या सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं होगा. जो सब्सक्रिप्शन हुआ है दैट इज फॉर 4 क्लासेस, 9th, 10th, 11th and 12th. इमेजिन कीजिए अगर आप 10th क्लास में हैं लेकिन आपके जो यंगर ब्रदर है वो 9th क्लास में, या आपकी एल्डर सिस्टर 11th या 12th क्लास में, तो आप तीनों जने एक साथ अगर आपने ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लिया, विच इज ओनली फॉर 22,500, आप तीनों मिलके केवल एक ही सब्सक्रिप्शन में तीनों जने पढ़ सकते हैं. दैट्स द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान. लेकिन अगर आप 24 मंथ्स यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं तो आप 12 मंथ्स का भी ले सकते हैं. इफ यू वांट टू गो फॉर थ्री इयर्स, यस, तो आप वो भी कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसी आपकी प्रेफरेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान ले सकते हो. और अगर आपको इस प्लान में 10% का डिस्काउंट भी अवेल करना है, 10% का डिस्काउंट भी चाहिए, तो आप मेरा रेफरल कोड दैट इज श्रेष्ठा, SHREHTHA, ये मेरा नाम भी है, इसको आप लगा के 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं. और गाइस, अगर आप लोगों को 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, 1 ईयर का लेना है, तो वो भी अवेलेबल है फॉर जस्ट 13,500. याद रखना, इस सब्सक्रिप्शन में चाहे वो 2 ईयर्स का हो या 1 ईयर का हो, केवल इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, जितने भी 9th से लेकर 12th तक जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं उनमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं. हर एक सब्जेक्ट के टीचर से आप इंटरेक्ट करेंगे, उनकी क्लासेस ले पाएंगे, उनके लाइव सेशंस को आप देख पाएंगे. बट डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड एंड गेट अ 10% ऑफ ऑन ऑल डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस ऑफ अनअकैडमी. एंड ऑफकोर्स
द मोड ऑफ पेमेंट द मेथड ऑफ पेमेंट इज वेरी इजी. आपके पास डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो लो कॉस्ट ई एम आई का बेनिफिट भी अवेल कर सकते हो, मंथली बेसिस पे भी आप पे कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वॉलेट्स के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं. तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे कम एंड टेक दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अपने घर की कम्फर्ट जोन में बैठ के आप तो बेस्ट लर्निंग अप्रोचेस बेस्ट टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं. तो प्लीज डू कम एंड टेक दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन. फटाफट से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो और एक सब्सक्रिप्शन लो, प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए. जो चार्जेस है वो सामने आपकी स्क्रीन पर है. एंड ऑफकोर्स ये जो चैनल है जस्ट 9th and 10th, इसको तो हमें फॉलो करना ही करना है, उसको सब्सक्राइब करना ही करना है. अच्छा, अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की. लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद द चैप्टर अ लेटर टू गॉड. इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर. यानी हम पढ़ रहे थे अबाउट लेंचो. हम लेंचो के बारे में पढ़ रहे थे जो एक फार्मर थे जिन्होंने फार्मिंग करके, उनका नाम क्या था फार्मर का, फार्मर वॉज नेम्ड एज लेंचो. ओके, एंड लेंचो ने फार्मिंग करके जो कॉर्न था उसकी फार्मिंग करी थी. एंड द कॉर्न प्लांट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्स, ब्यूटिफुल फ्लावर्स दैट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. अब लेंचो को किस चीज की जरूरत थी, उनको केवल एक शावर यानी उनको रेन्स की जरूरत थी. अगर उनकी खेती पे, अगर उनके क्रॉप्स पे शावर हो जाता, रेनफॉल हो जाता, तो जो क्रॉप से वो और बेटर हो जाते. एंड जैसा कि लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था, फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द स्काई क्लाउड्स आए और रेनफॉल स्टार्ट हो गई. याद है लेंचो रेनफॉल को देख के बहुत खुश थे. इनफैक्ट उसको कंपेयर कर रहे थे, जो रेन ड्रॉप्स थी उसको कंपेयर कर रहे थे विद द कॉइंस. ओके, वो कह रहे थे कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स हैं वो 10 cent pieces हैं, जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं पानी की वो 5 cent pieces हैं. ओके, ही वॉज वेरी हैप्पी. बट सडनली द वेदर चेंज्ड, बहुत तेज हवा चलने लगी. और केवल हवा नहीं चली, बड़े बड़े ओले भी बरसने लगे, हेल स्टॉर्म शुरू हुआ. और वो हेल स्टॉर्म एक घंटे तक चलता रहा, जिसकी वजह से कि जो पूरी फसल थी कॉर्न की, तो पूरा हार्वेस्ट था कॉर्न का, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया. याद है पूरा का पूरा जो फील्ड था, कॉर्न फील्ड था, दैट वाज कवर्ड विद हेल स्टोन्स. ऐसा लगता था मानो उस पर किसी ने सॉल्ट डाल दिया. लेंचो और उनकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही दुख भरी रात थी. सब बहुत दुखी थे, बट दे वर स्टिल ट्राइंग टू सपोर्ट ईच अदर. वो इस पर भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे. और सपोर्ट कर क्या क्या कर रहे थे, दैट गॉड सीज एवरीथिंग, वी हैव गॉड्स ब्लेसिंग विद अस, ओके, गॉड विल नेवर लेट अस डाई ऑफ हंगर. तो उनको पता था कि गॉड उनकी मदद जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, गॉड उनको भूखा मरने नहीं देंगे. इसी होप के साथ नेक्स्ट संडे यदि लेंचो ने क्या किया, ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड. उन्होंने गॉड को एक लेटर लिखना शुरू किया और गॉड से 100 pesos की मदद मांगी. और गॉड को बताया कि उनको जब 100 pesos मिलेंगे तो एक तो वापस से अपनी को सो करेंगे विद अ न्यू क्रॉप, नई फसल से उसको उनकी खेती करेंगे. और जब तक खेती जो है, जो फसल है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी, उस 100 pesos से वो अपनी पूरी फैमिली की लाइवलीहुड को इंश्योर करेंगे. और उन्होंने वो लेटर खुद अपने हाथों से वो टाउन तक गए और उसको मेल बॉक्स में डाला, उसको पोस्ट किया विद अ वेरी फर्म बिलीफ कि गॉड उनको सब देख रहे हैं, उनकी अंतरात्मा तक जो बहुत दुखी है इस टाइम पे, गॉड उसको देख पा रहे हैं और गॉड जरूर कुछ करेंगे उनकी मदद करने के लिए. अब लेंचो तो लेटर पोस्ट करके चले गए. उसके बाद उस लेटर का क्या हुआ, क्या गॉड को तक वो लेटर पहुंचा, क्या लेंचो की मदद हुई, वही आज हम यहाँ पे इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे. वन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, लेंचो जो थे वो अपना लेटर पोस्ट करके वहाँ पर चले गए. सो अब जो वन ऑफ द एम्प्लॉयज थे पोस्ट ऑफिस के, उनको वो लेटर मिला. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्ट मास्टर, जो एम्प्लॉयज से पोस्ट मास्टर थे, सॉरी पोस्ट मैन थे, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस. वो कभी कभार क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प कराते थे. वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गए, लाफिंग हार्टिली. हार्टिली का मतलब क्या होता है, लाउडली. और बहुत ही जोर जोर से वो हंस रहे थे. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को उन्होंने वो लेटर दिखाया जिसके एनवलप पे क्या लिखा था, टू गॉड. क्योंकि अपनी पूरी लाइफ टाइम में, अपनी पूरी जिंदगी में उस पोस्ट मैन ने शायद ही कभी ऐसा लेटर दिखा हो जो किसके लिए लिखा गया हो, गॉड के लिए लिखा गया. उन्होंने क्या बोला, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्ट मैन Had he known that address. उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन कभी भी ये एड्रेस तो नहीं पढ़ा, the address for God. और उन्हें पता नहीं था कि एग्जैक्टली गॉड का एड्रेस क्या है, तो उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि लेटर कहाँ डिलीवर करें. सो ही वाज लाफिंग वेरी लाउडली. द पोस्ट मास्टर अ फैट एंड एमिएबल. अ पोस्ट मास्टर कौन है, द बॉस ऑफ द पोस्टमैन. अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली. फेलो का मतलब होता है पर्सन. जो
पोस्ट मास्टर थे, ही वॉज अ फैट बट अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, वो बहुत ही फ्रेंडली इंसान थे, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उनको भी हंसी आ गई, वो भी हंसने लगे. बट ही ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से जो पोस्ट मास्टर थे वो सीरियस हो गए, पहले तो हंसने लगे लेकिन बाद में इमिडिएटली सीरियस हो गए. एंड टैपिंग, टैपिंग वर्ड का मीनिंग होता है नॉकिंग, तो नॉकिंग साउंड आती है इस तरीके की, इसको क्या बोलते हैं, टैपिंग. टैपिंग द लेटर और हिज डेस्क, और जो जो लेटर था उसको वो टैप करने लगे अपनी डेस्क पर, कमेंटेड. और फिर उन्होंने कहा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. उन्होंने कहा, आई रियली होप, काश मेरे अंदर भी उतना ही फेथ होता गॉड को लेकर के जितना इस आदमी में है जिसने ये लेटर गॉड को लिखा. जब उन्होंने एनवेलप देखा उस पर टू गॉड लिखा था, जो जो पोस्ट मास्टर थे वो इमीडिएटली समझ गए कि एक ऐसा इंसान जिसमें गॉड को अनशेकेबल अनब्रेकेबल फेथ होता है वही ये काम कर सकता है, वही लेटर लिख सकता है गॉड को. और पोस्ट मास्टर ये सोच रहे कि काश मेरे अंदर भी इतना स्ट्रांग बिलीफ, इतना स्ट्रांग फेथ होता गॉड को लेके, ताकि मैं भी गॉड को लेटर लिखता. स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड वॉज वेरी सरप्राइज्ड. ओके, करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन. वो सोच रहे कि इस आदमी ने कितना यूनिक चीज सोची है, मैं कभी सोच भी नहीं पाया टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन, टू स्टार्ट अ करस्पॉन्डेंस, यू नो, विद गॉड हिमसेल्फ. एंड द मैन वॉज टेरिबली इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो. वो लेंचो के फेस से बहुत जबरदस्त तरीके से इम्प्रेस हो गए. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्ट मास्टर ये जानते थे कि गॉड तो इस लेटर को रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि लेंचो का जो फेथ है, जो इस पर्टिकुलर लेटर के राइटर का फेथ है गॉड के अंदर, वो शेक हो, वो डगमगाए, क्योंकि वो टूट जाए, वो ऐसा भी नहीं चाहते थे. सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ, इन ऑर्डर टू सेव द फेथ ऑफ द राइटर ऑफ दिस लेटर इन गॉड, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, उन्होंने एक चीज सोची. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. अब उन्होंने डिसाइड किया दैट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, वो क्या करेंगे, गॉड के बिहाफ पे, गॉड्स बिहाफ, वो इस पर्टिकुलर लेटर को आंसर करेंगे, ताकि जो राइटर है इस लेटर का, उसका जो फेथ है ऑन गॉड, वो कभी भी नहीं डगमगाए. बट व्हेन ही ओपन्ड इट, ये क्या लगा था कि जो लेटर में लिखा गया होगा वो उसका एक अच्छा से रिप्लाई करके, रिप्लाई बना के भेजेंगे लेटर में. लेकिन जब उन्होंने वो लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट. एविडेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस. ये बहुत ऑब्वियस था दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, कि उन्होंने जब उस लेटर को खोला और लेटर को खोल के उसको पढ़ा, तो उनको रियलाइज हो गया कि तो बहुत ऑब्वियस है कि केवल और केवल लिखने भर से, एक लेटर लिखने से इस पर्टिकुलर लेटर का रिस्पॉन्स या आंसर नहीं होगा. दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. गुडविल का मतलब क्या होता है, गुड इंटेंशन. अच्छी इंटेंशन के अलावा, इंक और पेपर के अलावा, इंक एंड पेपर के अलावा भी इस लेटर को, इसके रिप्लाई में कुछ ज्यादा चाहिए, नहीं, समथिंग मोर इज नीडेड देन गुडविल, इंक एंड पेपर. तो पेपर और गुडविल के अलावा, अच्छी इंटेंशन के अलावा और भी कुछ चाहिए था. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसीजन. लेकिन जो पोस्ट मास्टर थे, ही हैज डिसाइडेड टू स्टैंड बाय हिज डिसीजन. उन्होंने डिसीजन ले लिया था दैट ही इज नॉट गोइंग टू लेट लेंचो लूज हिज फेथ इन गॉड, कि वो लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो ब्रेक नहीं होने देंगे. सो ही डिसाइडेड टू स्टिक टू दैट रेजोल्यूशन. जब उन्होंने ये पढ़ा कि जो इस पर्टिकुलर लेटर के राइटर हैं उनको क्या चाहिए, 100 पैसेस चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि चलो उसको 100 पैसेस चाहिए तो वो तो मैं ला नहीं सकता, तो लेट गो ऑफ, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं. ही हैज डिसाइडेड, ही हैज मेड अ डिसीजन कि वो इस आदमी की मदद करेंगे इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग. मतलब क्या है, जितना उसे बन पाएगा वो लेंचो का जो फेथ है इन गॉड उसको हमेशा बनाए रखेंगे. ही आस्क्ड फॉर मनी एंड इन ऑर्डर टू मेक इट टू इंश्योर that the faith of Lench in God does not get extinguished or does not diminish. Okay? He decided to collect the money as a charity to help Lencho. He asked for money from his employees. और उन्होंने अपने employees से money मांगी, उससे request किया कि आप contribution दो इस charity में. Okay? He himself gave part of his salary. और उन्होंने अपनी salary में से भी थोड़ा सा part में contribute किया. Okay? He contributed a part of his salary in this particular donation. And several friends of his were obliged. Obliged का मतलब क्या होता है?
हैप्पीली रेडी, बड़े खुशी खुशी तैयार हो गए. ओके, किसके लिए? टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. यहाँ पे समथिंग का मतलब क्या है? सम मनी इन एन एक्ट ऑफ चैरिटी. चैरिटी का मतलब क्या होता है? डोनेशन. और ना केवल पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने जितना बन पड़ा खुद से वो थोड़ा थोड़ा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया, खुद पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी इस पर्टिकुलर चैरिटी के एक्ट में डोनेट किया. बल्कि जो पोस्ट मास्टर के कुछ फ्रेंड्स थे वो भी बहुत खुशी खुशी उन्होंने मैं पोस्ट मास्टर की मदद करी इन ऑर्डर टू कलेक्ट सम मनी फॉर देन जो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर. गैदर का मतलब क्या होता है? कलेक्ट, दैट इज गैदर. टू कलेक्ट टूगेदर द 100 पैसो. So he was able to send the farmer only a little more than half. With good intention, with pure heart, the postmaster the, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया. उन्होंने decide किया कि जो जितना ही पैसा charity के नाम पर उन्होंने collect किया है वो पूरा का पूरा जो amount है वो Lencho को दे. लेकिन Lencho को कितना amount चाहिए था? 100 pesos. And 100 pesos is a huge amount of money. वो थोड़ा ज़्यादा था. तो इतना पैसा तो postmaster नहीं collect कर सकते थे. लेकिन जितना भी उनका कलेक्शन आया इन द नेम ऑफ चैरिटी उन्होंने पूरा अमाउंट जो है वो उस एनवेलप में डाला. एंड दैट अमाउंट वाज अ लिटिल मोर देन हाफ. मतलब क्या है कि अगर 100 पैसों की डिमांड लेंचो ने करी थी तो जो अमाउंट था दैट वाज मोर देन अ लिटिल मोर देन 50 पैसों से थोड़ा सा ज्यादा था. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप. उन्होंने एनवेलप में उस मनी को डाला एड्रेस टू लेंचो और उसके एनवेलप के ऊपर क्या लिखा? लेंचो, ताकि लेंचो को मालूम पड़ जाए कि लेटर उसके लिए है. एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर. और उसके साथ उस एनवेलप में उन्होंने एक लेटर भी लिखा और उस लेटर में केवल एक शब्द लिखा हुआ था और वो क्या था? गॉड. कि उन्होंने गॉड के सिग्नेचर्स किए हुए ताकि लेंचो को ये लगे कि जो ये मनी उसके पास पहुंची है इट इज बेसिकली अ हेल्प, अ ब्लेसिंग, अ ब्लिस ऑफ द गॉड हिमसेल्फ. गॉड का ही इसका एक ब्लेसिंग है. फाइनली मदद कर दी है. द फॉलोइंग संडे. फॉलोइंग का मतलब होता है, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था? फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट. द नेक्स्ट संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर. नेक्स्ट संडे लेंचो आए लेकिन थोड़े से जल्दी आ गए, सुबह सुबह ही आ गए पोस्ट ऑफिस पे. देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. नेक्स्ट संडे लेंचो जो है वो जल्दी से आ गए और उन्होंने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे उनसे पूछा कि क्या उनके लिए कोई लेटर आया है. It was the postman himself who handed the letter to him. अब हिम कौन है? लेंचो. और जो पोस्टमैन था, याद है वो पोस्टमैन जिसने वो लेटर निकाल के लेकर आया था, वो हंस रहा था जो लेटर लेंचो ने लिखा था गॉड को, पोस्ट मास्टर को ला के दिया था. उसी पोस्टमैन ने खुद अपने हाथों से वो लेटर जो जो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए रखा था इन द नेम ऑफ गॉड वो उसको दिया. हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, हिम मींस लेंचो, व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट. कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है? पीस और अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन, दैट इज कंटेनमेंट. कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड. डीड का मतलब क्या होता है? एक्शन. लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. लुक ऑन का मतलब क्या है? लुक आउटसाइड फ्रॉम हिज ऑफिस. जो पोस्टमास्टर थे आप इमेजिन कीजिए कि उनमें कितना अच्छा फील हो रहा होगा, वो कितने खुश होंगे इस टाइम पे. उनके अंदर बहुत सुकून वाली फीलिंग थी, बहुत सैटिस्फाइड होते, बहुत कंटेंट होते जब उन्होंने ये देखा कि वो जो आदमी है उसने उन्हें मदद करी है एक अच्छा काम करके. ही वॉज वेरी हैप्पी, वॉज वेरी फीलिंग वेरी पीसफुल. और अपने ऑफिस के अंदर से वो बाहर झाँक के देख रहे थे. वो जानना था कि जब वो पैसा लेंचो देखेगा, लेटर लेंचो देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज seeing the money. और लेंचो ने जब उस लेटर को खोला, उस एनवेलप को खोला और लेटर को निकाला और उसके अंदर पैसे को देखा, he was not at all surprised. Such was his confidence. ये लेंचो का कॉन्फिडेंस था इस पे, on God. ये उसका फेथ था, ये उसका बिलीफ था गॉड पे. उसे पता था गॉड उसकी मदद जरूर करेंगे, उसे उस पर जरा सा भी शक नहीं था. He did not doubt that the God is not going to help him. He knew that God is going to help him. जब उसने पैसा देखा He was not at all surprised. He was very satisfied. वो बहुत ज़्यादा satisfied थे. But he became angry. अब तो सोचो, पैसा उन्होंने मांगा, गॉड ने उनको पैसा भी दे दिया. लेकिन अचानक से लेंचो बहुत गुस्से में आ गए. एंग्री का मतलब क्या होता है? बहुत गुस्सा होना. He became angry. अब एंग्री हो गए when he counted the
जब उन्होंने पैसे को काउंट करना शुरू किया देन ही बिकेम वेरी एंग्री. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. गुस्सा क्यों आया होगा? याद है जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने 50 पैसों से थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ही वो कलेक्ट कर पाए. तो इसका मतलब क्या है कि उसमें एनवेलप में एग्जैक्टली 100 पैसों नहीं थे. और जब मनी काउंट करने के बाद एंजो को ये रियलाइज हुआ कि इस पर्टिकुलर एनवेलप में 100 पैसों नहीं है, ही बिकेम वेरी एंग्री. अब उनको लग रहा है कि गॉड तो गलती नहीं कर सकते, गॉड कैन नॉट मेक दिस मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड. यहाँ पे ही कौन है? गॉड. नॉर कुड गॉड हैव डिनाइड एंजो वॉट ही रिक्वेस्टेड. डिनाइड का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज्ड, मना कर देना, नहीं देना. और गॉड ये भी नहीं करेंगे कि अगर लेंचो ने 100 पैसों की डिमांड करी तो गॉड उसको कहते हैं कि नहीं 100 पैसों नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे. और ऐसा भी नहीं करेंगे बिकॉज गॉड ही इज ग्रेट बिलीव इन गॉड. और जो हम गॉड से मांगते हैं गॉड हमें जरूर देते हैं, ये लेंचो का मानना था. तो उसने कहा गॉड भी नहीं कर सकते बिकॉज वो तो गॉड है, ही कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक. और गॉड मेरी रिक्वेस्ट को इस तरीके से रिफ्यूज भी नहीं कर सकते कि मुझे थोड़ा सा पैसा दे और बाकी मना कर दे कि नहीं बाकी नहीं मिलेगा. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस. वो पोस्ट ऑफिस के विंडो पे गए टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. और उन्होंने वहां से जो एम्प्लॉय से उनसे कहा कि मुझे आप एक पेपर और इंक दे दीजिए. इंक का मतलब क्या है? पेन दे दीजिए. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. पब्लिक राइटिंग टेबल्स क्या होती है? कभी आप पोस्ट ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे टेबल्स लगी रहती है, वहाँ पे लोग खड़े होकर के एड्रेस लिख रहे होते हैं, उस पर स्टैम्प चिपका रहे होते हैं, तो वो पब्लिक राइटिंग टेबल्स. बैंक में भी अगर आपने कभी देखा हो जब आपके पेरेंट्स जो है वो कोई मनी डिपॉजिट कराने जा रहे होते हैं तो अभी स्लिप्स हमें फॉर्म में भरनी पड़ती है, सब पूरी डिटेल्स भरते हैं, तो वहाँ पे टेबल्स रखी रहती है. दीज आर बेसिकली पब्लिक राइटिंग टेबल. ओके, ही स्टार्टेड टू राइट. और लेंचो ने एक नया लेटर लिखना चालू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रोज. रिंकलिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे तो आईब्रोज थी वो रिंकल्ड हो गई, वो थोड़ी मुड़ी सी हो गई. ओके, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रोज कॉज बाय द एफर्ट. और उसकी जो आईब्रोज थी वो रिंकल की हो गई थी बिकॉज वो बहुत एफर्ट डाल रहे थे इस चीज में. ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज उनको वो लेटर लिखना था. लेकिन वो लेटर में क्या लिखे वो बहुत सोच सोच के उस चीज को लिख रहे थे, बहुत एफर्ट डाल के वो लिख रहे थे क्योंकि जो आईब्रोज थी वो रिंकल्ड हो गई थी. When he finished, he went to the window to buy a stamp. Stamp याद है? Postage stamp की यहाँ पे बात हो रही. जब उन्होंने गॉड को लेटर लिख लिया, अपना सेकेंड लेटर लिख लिया, पोस्ट ऑफिस की विंडो पे गए और उन्होंने वहाँ से एक postage stamp परचेज किया. To buy a stamp which he licked and then affixed. Affixed का मतलब क्या होता है? Pasted. Affixed word stands for pasted to the envelope with a blow. Blow का मतलब होता है hit. ऑफिस फिस्ट. फिस्ट क्या होती है? मुट्ठी. उन्होंने एक पोस्टल स्टैम्प लिया और उसको जो एनवेलप था सेकंड लेटर का जो एनवेलप था उस पर पेस्ट किया, उस पर चिपकाया और ताकि वो ढंग से पेस्ट हो जाए, वो चिपक जाए, उसको हिट किया विद हिज फिस्ट. इस तरीके से उसको हिट करके उसको पेस्ट कर दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स. मेल बॉक्स का मतलब क्या होता है? पोस्ट बॉक्स. जिस मोमेंट पे वो जो लेटर था वो पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स में गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्ट मास्टर बहुत एक्साइटेड थे, तो रोक ही नहीं पा रहे थे. उनको जानना था कि रिप्लाई में लेंचो ने क्या लिखा है. सो ही जस्ट यू नो रश्ड आउटसाइड. उन्होंने तुरंत वो लेटर जो था पोस्ट बॉक्स से निकाला. इट्स सेड, उस लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर. इज हाउ मच मनी आई आस्क फॉर? आई आस्क फॉर 100 पैसोस. ऑफ द 100 पैसोस ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी. मैंने जो आपसे 100 पैसोस मांगे थे उसमें से मेरे पास केवल 70 पैसोस पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट. सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी. हाउ मच इज रेस्ट ऑफ द मनी? 30 पैसोस. जो रिमेनिंग 30 पैसोस हैं प्लीज आप मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच. क्योंकि मुझे उस पैसे की बहुत ज़रूरत है बिकॉज मैं एक बहुत ही बुरी कंडीशन में हूँ. तो आपने जितना मुझे 100 पैसे जो मैंने आपसे 100 पैसोस मांगे थे आपके थ्रू मेरे पास केवल 70 पैसोस पहुँचे हैं, तो जो रिमेनिंग 30 पैसोज है वो आप मुझे इमीडिएटली भेज दीजिए. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. मेल का मतलब क्या है? मैंने क्या बताया था? पोस्ट. लेकिन जो रिमेनिंग 30 पैसोज हैं वो पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. उसका मतलब क्या होता है? चीट, धोखाधड़ी करने वाले. ओके, लेंचो. और उसने लेटर में लिखा कि जो रिमेनिंग अमाउंट आप मुझे भेजें वो प्लीज उसको आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा, किसी और मीडियम के थ्रू और चैनल के थ्रू भेजिएगा, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो चीट हैं, वो रॉबरस हैं, दे स्टोल माय मनी जो आपने मुझे भेजी.
पर्सनालिटी क्या मेंशन किया, लेंचो, और नीचे सबका नाम लिख. सो व्हाट डज इट मीन, मींस दैट इवन दो लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द गुड डीड ऑफ द पोस्टमास्टर. यहाँ पे जो पोस्टमास्टर की जेनरोसिटी, उनके जो काइंड एक्शन थे, उनका उसको उस चीज का कोई भी बेनिफिट ये नहीं मिला, उस चीज का एक थैंक यू तक नहीं मिला. तो मैंने तुमको जब चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था पिछली क्लास में, मैंने क्या बताया था, इस चैप्टर के ऑथर ने दो मॉडल्स कन्वे करे हैं. पहला मॉडल क्या था कि अगर आपका गॉड में, भगवान में एकदम स्ट्रांग बिलीफ है, फेथ है, तो चाहे लाइफ में कोई सी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, कोई सी भी परेशानियां आ जाए, आप सब ओवरकम कर जाते हैं. और वही लेंचो के साथ हुआ कि लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई लेकिन गॉड ने उसकी हेल्प करी. बिकॉज किस तरीके से हेल्प मदद करी, बाय द मीडियम ऑफ द पोस्ट मास्टर. तो पोस्ट मास्टर बिकेम द मैसेंजर ऑफ गॉड फॉर लेंचो. पोस्ट मास्टर के थ्रू मदद करी, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करने का डिसीजन क्यों लिया, बिकॉज ही वॉज टेरेबली इम्प्रेस बाय लेंचो'स फेथ इन गॉड. तो गॉड के फेथ से उसको ये फल मिला. लेकिन सेकेंड मॉडल मैंने क्या बताया था कि जरूरी नहीं है कि लाइफ में अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो हमेशा उसका फल आपको मिले. और एग्जैक्टली लेंचो के साथ यही हुआ, उसको चीज़ का फल मिला ही नहीं. जो पोस्ट मास्टर को उसका फल मिला ही नहीं. जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ इतनी मेहनत करके 70 पैसे इकट्ठा करके लेंचो को दिए भी, और लेंचो ने उनको क्या बोल दिया, बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया, ग्रुप ऑफ चीट्स कह दिया. तो हमेशा अगर आप अच्छा करो उसके बदले में आपको अच्छाई मिले, आपको ग्रैटिट्यूड मिले, आपको थैंक यू मिले, ऐसा जरूरी नहीं है. सो विद दिस आई एम गोइंग टू वाइंड अप द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड. अगर इस चैप्टर के पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज वो डाउट मुझसे क्लेरिफाई कीजिएगा. राइट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्सेस ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ. एंड नाउ आई होप यू पीपल हैव थ्रू विद दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन एज आई एम, एंड यू आर रेडी फॉर अ क्विज, अ क्विक क्विज जिसके लिए आप तैयार होंगे. सो हियर कम्स इट. एक बार गहरी सी सांस ले लो, थोड़ी सी तसल्ली के साथ हम ये क्विज शुरू करते हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज व्हिच इज कमिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू नाउ. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज द पोस्ट मास्टर. आपके अकॉर्डिंग पोस्ट मास्टर किस तरीके के इंसान है, ए रूड, बी शॉर्ट टेम्पर्ड, सी एमिएबल और डी एक्सट्रोवर्ट. वो रूड है, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, फ्रेंडली है, या वो एक्सट्रोवर्ट है, सोशलाइज करते हैं, सब लोगों से खूब मिलजुल के बात करते हैं, वो किस तरीके के इंसान है. ए बी सी डी, टेल मी योर आंसर इन योर चैट बॉक्सेस. 2, 1 and 0. यस, वेरी गुड. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, एमिएबल. वो एक बहुत ही फ्रेंडली इंसान है. सो दिस वाज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. अब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे. बी रेडी, योर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 2, How much money did Lencho find in the envelope? Envelope में Lencho को कितने पैसे मिले? A 100 rupees, B $70, $70 A, B का है $70, C का है £70 और D का है £70. Mark your answers, बताते रहो मुझे पर आंसर क्या है, A, B, C या D. तो क्या आंसर है, 70 rupees, $70, £70 और £70. 2 and 1 and the time is up. And the correct answer is yes, 70 pesos. इसी करेंसी की तो बात हो रही है, बाकी सारी करेंसी की तो बात ही नहीं हो रही पूरी चैप्टर में. The answer is 70 pesos. Lencho ने कितना डिमांड किया था, he wanted 100 pesos, लेकिन उसको मिला कितना था, 70 pesos, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर थे वो 100 pesos कलेक्ट नहीं कर पाए थे. तो जितना उन्होंने कलेक्ट किया था वो envelope में डाल दिया with good intentions of course. Now be ready for your third question. Your third question is right now. Why was Lencho angry after opening the envelope? Envelope को खोल करने के बाद वो पैसा जो था, अमाउंट था, वो काउंट करने के बाद Lencho क्यों दुखी थे? Because there was no money in it, क्योंकि उसके अंदर पैसा था ही नहीं. B, because there was only 70 pesos, उसमें केवल 70 pesos थे. Because he thought the post office employees stole the money, क्योंकि उसको लगा कि जो मेरा पैसा था जो गॉड ने भेजा उसमें से कुछ पैसा इन एम्प्लॉयज ने क्या कर लिया है, चुरा लिया है. ओके, और D, both B and C. And the correct answer is B. That is both B and C. This is your correct answer. तो ना केवल ये देखा कि मैं केवल 70 पैसों से, इसको देख के वो बहुत गुस्सा आया, तो ये भी लगा कि गॉड तो गलती कर नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ही ये पैसा चुराया होगा. Now your fourth question.
why did the postmaster decide to help Lenchu? Postmaster ने क्यों decide किया कि वो Lenchu की मदद करेंगे? A. He was impressed by his faith in God. B. He was moved by his financial conditions. C. He thought of gaining God's grace by helping Lenchu. Or D. None of the above. A. क्योंकि God जो थे वो postmaster जो थे वो Lenchu के faith से बहुत impressed हुए थे. उसकी financial conditions के बारे में पढ़ के बहुत दुखी थे. वो ये चाहते थे कि Lenchu की मदद करके उन्हें भी गॉड की ब्लेसिंग मिले या none of the above. Time is up and your answer is A. He was terribly impressed by his faith in God. वो Lenchu के faith से बहुत impressed थे. किसने ने decision लिया था कि वो Lenchu की मदद करेंगे? Okay. Now I'll come to my next slide. My next question. This is going to be a last question for this session. Question number 5. Which word is similar to cheat? Following words में से कौन सा word है जो cheat के लिए चीट को रिप्रेजेंट करता है, उसका सिमिलर मीनिंग होता है? ए रिंकलिंग, बी एमिएबल, सी क्रुक्स और डी कंटेनमेंट. कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? ए बी सी डी. करेक्ट आंसर बताइए कि चीट का सिमिलर मीनिंग वर्ड कौन सा है आउट ऑफ द फॉलोइंग, रिंकलिंग, एमिएबल, क्रुक्स और कंटेनमेंट. बी टू वन एंड योर करेक्ट आंसर इज सी. That is crooks. Okay, याद है क्या कहा था? These post office employees are a bunch of crooks, they are a bunch of cheats. तो इसका मीनिंग क्या होगा? Crooks. Okay. So this was my question answer round. Now this will be before I wind up my class today. जो explanation मैंने दिया है, अगर इससे related कोई भी doubts आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, तो please मुझसे पूछ लीजिएगा. Please इस particular channel just 9th and 10th को subscribe कीजिएगा, मुझे follow कीजिएगा and of course भूलना नहीं है कि हमें Unacademy की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है. ओके, और कहाँ से करना है? प्ले स्टोर से करना है. उसको इंस्टॉल करना है, मुझे फॉलो करना है. मेरा नाम है श्रेष्ठा श्रीवास्तव, मुझे फॉलो करना है. इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर लर्निंग ऐप, ये आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए. थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? यू हैव टू मैनेज योर गोल. आपका गोल क्या है? हमारा गोल है टू स्टडी क्लास 9th एंड क्लास 10th. इस गोल को आप सेलेक्ट कीजिए. दिस इज योर गोल, मैनेज योर गोल. ओके, एंड देन You take a subscription of Plus channel. आपको Plus का subscription लेना है Unacademy app के ऊपर. This is for class 9th and class 10th. Okay, यहाँ पे free courses भी available हैं, special classes भी available हैं, लेकिन इसके साथ साथ Plus का आपको subscription भी लेना पड़ेगा. और मेरा referral code जो है वो लेते time आपको क्या करना है? इस referral code को आपको उसमें डालना है ताकि आपको 10% का off भी मिले. Do not forget to take this particular subscription. इस subscription जरूर लो. और अगर 10% का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा रेफरल कोड SHRESHTHA जरूर डालो. सिक्स स्टेप क्या है? दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सक्रिप्शन प्लान्स. ओके, तो पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि क्लास 9th और 10th के सब्सक्रिप्शन के लिए 6 मंथ का भी प्लान अवेलेबल है, 12 मंथ्स के भी अवेलेबल है. 12 मंथ के प्लान में आपको टोटल अमाउंट पड़ेगा 11,250 rupees ओनली फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब इंक्लूडेड होंगे. और 2 क्लासेस इंक्लूडेड, कंटेंट इंक्लूडेड है क्लास 9th का और क्लास 10th का. तो अगर आप चाहेंगे तो इससे आप 10th क्लास के लेवल और 9th क्लास का सब्सक्रिप्शन भी आपको जो मिलेगा फॉर 12 मंथ्स पूरे साल के लिए. इट इज जस्ट फॉर 11,000. एंड इफ यू अप्लाई दिस कोड दैट इज श्रेष्ठा, तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा. आप उसको अवेल भी कर पाओगे, इसका बेनिफिट भी उठा पाओगे. आपको मालूम है दे आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट. डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट्स कर सकते हैं. आप लो कॉस्ट EMI, तो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी आप पे कर सकते हैं. UPI ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं वॉलेट के थ्रू, पेटीएम वॉलेट के थ्रू, पेपाल वॉलेट के थ्रू भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं. नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. तो जो आपको ईजी और कन्वीनियंट वे मिले पेमेंट करने का प्लीज़ कीजिए. और अपने घर पर बैठ के टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरेक्ट करके अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को और एनलार्ज कर सकते हैं फॉर जस्ट 11,250. ये सब्सक्रिप्शन है फॉर क्लास 9th क्लास 10th. ओके, एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज जस्ट 9th एंड 10th. ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करो, उसको शेयर करो एंड डू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बेल. ओके, सो दैट जो भी मेरी आने वाली क्लासेस हैं और जितनी भी इस पर्टिकुलर चैनल पर बाकी सारी क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमिंगली मिलते रहे. आप चाहें तो इस लेक्चर का PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हियर. सो दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय क्लास टुडे. आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास. आई होप टू सी यू देयर इन माय नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग.